आरहत बंबई में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्रानम संगामी दुज्ज ए जिने एगम जिनेज अप्पानम एस से परमो जओ। दुनिया में जय और पराजय का क्रम भी चलता है, कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है, चुनाव होता है, कोई कैंडिडेट जीत जाता है और कई कैंडिडेट उम्मीदवार हार भी जा सकते हैं, युद्ध होता है, एक सेना विजेता बन सकती है तो दूसरी सेना दूसरा देश पराजित हो सकता है, न्यायालय में केस होता है, एक पक्ष जीत जाता है तो दूसरा पक्ष हार को भी प्राप्त हो सकता है, कोई खेल प्रतियोगिता होती है उसमें कोई विजेता बन जाता है तो कोई पराजित भी हो सकता है। यह जय पराजय बाहर की दुनिया की है, भीतर की दुनिया में देखें तो वहां भी जय पराजय की बात तो हो सकती है। शास्त्र में कहा गया कि एक योद्धा जो बाहर का युद्ध करता है, संग्राम में लड़ता है, 10 लाख शत्रुओं को योद्धाओं को प्रतिपक्ष के व्यक्तियों को वह पराजित कर देता है, वह भी विजय तो है, जय है, परंतु बहुत बड़ी विजय नहीं है। बड़ी विजय क्या है? एक साधक आदमी केवल अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह उसकी परम जय हो जाती है। संग्राम में जीतने वाला विजयी बन सकता है, परम विजयी नहीं। अपनी आत्मा को जीतने वाला परम जयी परम विजेता बन जाता है। यह भीतर का युद्ध है, आत्मा का युद्ध है। शत्रु कौन है या जेतव्य कौन है? ए गप्पा अजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणी। एक हमारी आत्मा चित्त वह शत्रु है, कसाय चार कसाय क्रोध मान माया लोभ ये शत्रु हैं, 5 इंद्रियां जो अजित हैं विषयासक्त होती हैं वे इंद्रियां शत्रु हैं। एक आत्मा को जिसने जीत लिया तो मानो 10 को जीत लिया, 4 कसायों को भी जीत लिया और 5 इंद्रियों को भी जीत लिया। कसाय विजय की साधना आत्म विजय की साधना है, इंद्रिय विजय की साधना आत्म विजय की साधना होती है। 4 कसाय को जीत लेना, 5 इंद्रियों को वश में कर लेना बहुत अच्छी साधना आध्यात्मिक आराधना हो जाती है।
अब प्रश्न है कसाईयों को जीतते कैसे। शास्त्र में यह भी बताया गया कि जीतते कैसे, उपाय बताया गया। उव समीण हने को हम मानम मद्दव या जिने मायम तज्जव भावेण लोभम संतोष ओ जिने। गुस्से को कोप को जीतना है उपशम के द्वारा, उपशम की साधना, शांति की साधना, क्षमाशीलता की साधना के द्वारा गुस्से को हत करें, नष्ट करें। कोई भी परिस्थिति आए उपशम का अभ्यास रखें, अभ्यास करें, अनुप्रेक्षा करें, संकल्प करें, तो यों उपशम की साधना के द्वारा गुस्से को जीतने का प्रयास करना चाहिए। और अहंकार को जीतना है मार्दव के द्वारा, मृदुता के द्वारा अहंकार को जीतने का अभ्यास हो, और आर्जव के द्वारा, ऋजुता सरलता के द्वारा माया को जीते, और संतोष के द्वारा लोभ को जीते। पांच इंद्रियों को भी अनासक्ति के अभ्यास के द्वारा जीतने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये जो शत्रु हैं, भीतर के शत्रु हैं, अरहत भगवान होते हैं, अरिहंत शत्रुओं का हनन करने वाले, तो यह कसाय विजय की साधना साधु को तो करनी ही चाहिए। गृहस्थ भी कसाय विजय का अभ्यासी हो। दो शब्दों में राग द्वेष, एक शब्द में कसाय कह दें, मोह कह दें, दो शब्दों में कहें तो राग द्वेष कह दें, और चार शब्दों में कहें तो क्रोध मान माया लोभ। बात एक ही है, शब्दों का अंतर है। एक शब्द, दो शब्द और चार शब्द। एक शब्द में कसाय या मोह, दो शब्दों में राग द्वेष, चार शब्दों में क्रोध मान माया लोभ। आदमी की यह दुर्बलता कमजोरी ही माननी चाहिए कि गुस्सा आ जाता है, कभी अहंकार में आदमी आ जाता है, छल कपट करने लग जाता है, और लोभ की चेतना प्रकट होती है, तो फिर आदमी की कामना इच्छा प्रवृद्ध हो सकती है। तो ये कसाय हैं, तो इनको जीतने के जो प्रतिपक्ष के उपाय हैं, गुस्से के लिए उपशम प्रतिपक्ष है, अहंकार के लिए मार्दव प्रतिपक्ष है, माया के लिए ऋजुता प्रतिपक्ष है, और लोभ के लिए संतोष प्रतिपक्ष होता है। लोभ तो सबके मूल में है, तत्वज्ञान की दृष्टि से देखें तो लोभ तो दसवें गुणस्थान तक रहता है, बाकी तीन तो नौवें गुणस्थान में ही चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उपशांत या क्षीण हो जाते हैं, पर लोभ तो दसवें गुणस्थान तक रह जाता है। तो संतोष की अनुप्रेक्षा अभ्यास साधना के द्वारा लोभ को भी निर्मूल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। संतुष्टि, अपने आप में संतुष्ट रहना। राजा था, एक बार
नंगे पांव घूमने के लिए निकल गया कि भाई नंगे पांव चलूं वो एक्चुअल प्रेशर का सा भी कुछ हो जाए, पत्थरों पर चलने से कुछ मिट्टी में भी चला। तो राजा तो नंगे पांव चलने का अभ्यासी नहीं था, बहुत कोई बरसों बाद पहली बार इतना नंगे पांव चला, एक कांटा चुभ गया, विद्ध हो गया पैर कांटे से। राजा करा उठा, रे अरे कांटा कांटा, तकलीफ हुई राजा के। आसपास सेवक लोग थे, राजा को एक जगह बिठाया, कांटा निकाला, फिर मेल में आने के बाद मरम पट्टी आदि सारी व्यवस्था कर दी। तो राजा के मन में एक विचार आया कि मेरे जैसे आज कांटा चुभार इतनी तकलीफ हुई तो मेरे राज्य में कितने लोग ऐसे होंगे जो उबाने चलते हैं, बिना पादुका के चलते हैं, जिनके पास चप्पल है ही नहीं, गरीब लोग हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो कितनों के ऐसे कांटे चुभते होंगे, कितनों को तकलीफ होती होगी, क्या किया जाए। तो राजा ने मन में सोचा कि एक काम करूं कि किसी के कांटा न चुभे। शाम को मंत्री आया, मंत्री बैठा और राजा बोला, मंत्री जी एक काम करो, हमारे राज्य में जितनी भी धरती है, जमीन है, पूरी जमीन पर चमड़ा मंडवा दो, पूरी जमीन पर चमड़ा मंडवा दो। मंत्री बोला, जो हुक्म जो आदेश, कहीं जल्दी करना व्यवस्था, पूरी धरती पर चमड़ा लगवा दो, किसी के कांटा नहीं चुभे। मंत्री अपने घर चला गया और थोड़ी चमड़े की व्यवस्था भी शुरू कर दी। अगले रोज फिर आया, राजा ने कहा, क्यों काम शुरू कर दिया ना मंत्री जी, चमड़ा मंडवाना धरती पर अपने राज्य में। हाँ महाराज, काम शुरू कर दिया है, व्यवस्था शुरू हो गई है, और महाराज एक और आपसे निवेदन है कि हमारी जो ये जनता है, पूरी जनता को जैन धर्म वाला संथारा करवा दें, अब पूरी जनता को कुछ समय बाद संथारा का प्रत्याख्यान करवा दें। क्यों संथारा क्यों करा दें, सब आराम से रहो, खाओ पियो, खाना पीना तो कैसे, खाना तो कैसे होगा, क्यों कैसे क्या होगा। मंत्री बोला, आपका आदेश है कि पूरी धरती पर चमड़ा मंडवा दो, चमड़ा मंडवा दें, फिर अनाज पैदा कहाँ होगा, तो फिर तो अनशन संथारा ही करना ठीक रहेगा फिर तो। अब राजा का दिमाग चौंका, रे बात तो ठीक कही है मंत्री ने, तो कहा, मंत्री यह बात तो ठीक है, सारी धरती पर चमड़ा लग जाएगा, फिर खेती कहाँ होगी, तो क्या करना चाहिए। मंत्री बुद्धिमान था, मंत्री तो बुद्धिमान होना ही चाहिए, राजा तो फिर भी मान लो परंपरागत भी कोई बन गया, राजा को भी होना तो अच्छा ही चाहिए, फिर भी कोई परंपरागत रूप में राजा का बेटा राजा बन गया, पर मंत्री तो योग्य सुबुद्धि होना चाहिए, अच्छी तरह राज्य संचालन में चिंतन पूर्वक अपना योगदान दे सके। तो मंत्री बोला, महाराज इसमें क्या बड़ी बात है कि कांटा भी न चुभे, हमारी अनाज पैदावार पैदाइश उसमें भी बाधा न आए, उसका उपाय है हम राज्य की ओर से प्रत्येक नागरिक को, जिनके पास भी जूता नहीं है, जो गरीब हैं, उनको राजकीय कोष की ओर से, व्यवस्था की ओर से फ्री में चप्पलें उपलब्ध करवा देंगे, सबके पास चप्पलें जूते होंगे, वो चप्पलें या जूते पहनकर चलेंगे तो कांटा क्यों चुभेगा। पैर में जूता वो जहां जाएगा वहां उसके लिए धरती चमड़े की हो जाएगी, चमड़ा मंडा हुआ सा हो जाएगा। हाँ यह बात ठीक है, यह व्यवस्था कर दो, कोई भी हमारा नागरिक
अर्थ के अभाव में नंगे पांव न चले। जो भी गरीब लोग ऐसे हैं सबको राज्य की ओर से जूता चप्पल उपलब्ध करा दिया जाए। संस्कृत में श्लोक है, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वा चर्मा वृतैव भूः। कि उसके लिए सर्वत्र संपदा है जिसका मन संतुष्ट रहता है, संतोष में रहता है। आगम में कहा गया, संतोष पाहन रए सपुज्जो, जो संतोष की प्रधानता में रत रहता है वह पूज्य होता है। तो जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपदा है। जैसे पैरों में जूता पहन लिया उसके लिए सारी धरती चमड़े की हो जाती है। तो ये शत्रुओं को जीतना, कसाईयों को जीतना अध्यात्म की साधना है। और मोहनीय कर्म आठों कर्मों में राजा है, सेनापति है। राजा कंट्रोल में आ जाए, सेनापति न रहे, फिर सेना का कितना क्या महत्व है। तो मोहनीय कर्म सेनापति है। बाकी सात कर्मों को हम सेना सैनिक मान लें तो मोहनीय कर्म सेनापति है। इस मोहनीय कर्म पर प्रहार हो, यह प्रतनु बने पतला पड़े, यह क्षय को प्राप्त हो, तो यह विजय यात्रा संपन्न हो जाती है। विजय यात्रा बहुत बढ़िया लगता है, विजय यात्रा, विजय यात्रा। पर विजय यात्रा कुछ श्रम साध्य हो सकती है, साहस साध्य हो सकती है, आत्मबल साध्य हो सकती है। तो यह अध्यात्म में विजय यात्रा है, कसाईयों को जीतने की यात्रा। बस कसाईयों को जीत लिया, इंद्रियां तो अपने आप ही विजित हो जाएगी। तो एक आत्मा को जीत लें, एके जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हा उज्जनितानम सब सत्तु जिणामहम। उत्तरध्ययनानी के 23वें अध्ययन में जो उक्त है, एक आत्मा को जीत लो तो पांच चार कसाई भी विजित हो जाएंगे। हम अगर कसाईयों को जीत लें तो माने सारे शत्रु विजित हो जाएंगे। क्योंकि शत्रुओं की भी तो अपनी शक्ति हो सकती है, शत्रु सेना भी तो बलवान हो सकती है। इधर की सेना बलवान है तो शत्रु सेना भी सबल हो सकती है। अब सबल को कैसे निर्बल करना, सबल को कैसे दुर्बल करना, सबल को कैसे अबल कर देना, यह करामात की बात है। इधर वाली सेना में ऐसी करामात हो कि सबल भी निर्बल बन जाए, अबल बन जाए, दुर्बल बन जाए, बलहीन हो जाए और उसको नष्ट कर दिया जाए। तो अध्यात्म के जगत में वह युद्ध नहीं जिसमें गुस्सा होक, हिंसा होक, आदमी को मारा जाए, वो युद्ध नहीं है। अध्यात्म का युद्ध अपने कसाईयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी विकृतियों को खत्म करने की चेष्टा के रूप में होता है। तो इस आत्मयुद्ध की दिशा में जो आगे बढ़े हैं वे कभी बुद्ध संबुद्ध बन सकते हैं और सिद्धावस्था को भी प्राप्त हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु और हमारे उत्तर भक्ति पूजनीय, परम पूजनीय आचार्य, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और आगे उधर भगवान महावीर जैसे, ये जो जैन शासन, भिक्षु शासन की परंपरा है,
हम इस परंपरा से भी प्रेरणा लेकर आत्म विजेता बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहें जब तक मंजिल न मिल जाए, यह काम्य है।